हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंतर्गत आने वाली चौराई विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे नकुलनाथ पहुंचे, जिस पर उनका भव्य स्वागत हुआ। नकुलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में जल्द सुधार होने जा रहा है। जैसे ही आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो मैं चौराई विधानसभा क्षेत्र के किसानों को विश्वास दिलाता हूँ कि भावांतर योजना की राशि सबसे पहले चौराई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से यूके लाइव के लिए स्टेट हेड रामकृष्ण चंद्रा की रिपोर्ट। साथियों, मैं जानता हूं कि यहां भाव अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप सबको जानकारी है कि जिस दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली, एक घंटे के अंदर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भाव अंदर की राशि शुरू होगी तो सबसे पहले आप लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा आप सब फिर से बदलने का काम शुरू कर देगी। आप सबने देखा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। मैं पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग हैं जो डिजिटल इंडिया में हैं, जो स्किल इंडिया में हैं? एक भी नहीं। कार्यक्रम में गया, मैंने वहां पूछा, अरे भाई कोई तो बताओ, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, यहां कोई है ना? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का कोई नहीं है। आपको समझना है कि भाजपा आप लोगों को सिर्फ घबराती है। 4.5 साल उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं की, अब क्या 4.5 हफ्ते 4.5 हफ्ते बाकी है उनको राम मंदिर की याद आ गई। साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी ओर से, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, आप घर घर जाए और ये संदेश लोगों तक पहुंचाए। बेरोजगार और युवाओं के हाथों को काम और किसानों पर के फसलों के सही दाम, ये हम करके दिखाएंगे। मैं तजर्बा कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे पिताजी की ओर 35 साल अपना प्यार और विश्वास दिया है। मेरी आपसे विनती है कि थोड़ा सा वो प्यार और विश्वास मेरे तरफ।